अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में अहमदाबाद तेरापंथ महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स प्रेरणा सम्मान महिलाओं का सम्मान किया गया। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अरुण कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। इस मौके पर सानिध्य शासन श्री साध्वी रत्न श्री जी, शासन श्री साध्वी सत्य प्रभा जी व साध्वी वृंद जी और मुख्य अतिथि मालती बेन महेता गरिमामय उपस्थिति। ABTMM गुजरात प्रभारी भारती जी पाराखोर, अध्यक्ष मनिता जी चोपड़ा, मंत्री प्रतीक्षा जी सुत्रिया की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रमुखा श्री जी के चरणों में भाव भरा कोटि से नमन। अहमदाबाद में विराजित शासन श्री साध्वी राम कुमारी जी, शासन श्री साध्वी रतन श्री जी, शासन श्री साध्वी सत्य प्रभा जी एवं साध्वी वृंद के चरणों में कोटि से नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला मेरा नाम महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की सुशिष्या साध्वी रतन श्री जी की सहवर्ती साध्वी भीम श्री। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल अहमदाबाद एक जागरूक संस्था है। तेरापन धर्म संघ में महिला समाज की शक्ति को उजागर करने का श्रेय राष्ट्र संत अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी को है। वर्तमान में आचार्य श्री महातपस्वी महाश्रमण जी महिलाओं में नए नए चिंतन व अध्यात्म की शक्ति के द्वारा नए उन्मेष भर रहे हैं। मंडल की बहनें चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सब कार्यक्रम को अच्छे ढंग से निष्ठा के साथ, बड़े दायित्व के साथ, जागरूकता के साथ संपन्न करती हैं। अपनी शक्ति का नियोजन कर बहुआयामी कार्यक्रमों के द्वारा विशिष्ट पहचान मंडल ने बनाई। अभी वर्तमान में अध्यक्षा श्रीमती मनिता जी चोपड़ा हैं, मंत्री प्रतीक्षा जी सुथरिया हैं, जो जागरूकता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं और महिला मंडल में हर वर्ष नए नए कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसमें धार्मिक संस्कार कैसे उजागर हो कन्याओं में, बहनों में, तो ये एक सशक्त कार्यक्रम है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सब मिल करके ये संकल्प करें कि हमारी बहने हैं और उत्तरोत्तर इस विकास में आगे बढ़ती रहे। इसी शुभ भावना के साथ ओम अरहम ओम अरहम। आज जो कार्यक्रम अहीं योजाया छे महिला दिवस ना उपक्रम में, तो एना विषय तमे शुं कहेवा मांगो छो?
आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घनी जगह जुदी जुदी रीते उजवाय छे, परंतु खास अहीं तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा जे आयोजन थयुं छे तेमां कोरोना वॉरियर्स तेनुं जे सन्मान करवानुं छे एक बहु आगवुं अने अति आवश्यक आयोजन छे। मने एमां भागीदार बनवानी तक मळी तेना माटे हूँ खूब आभारी छूँ। आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपणे जाणीए छीए तेम 110 वर्षथी उजवाय छे। दरेक वर्षे યુનો દ્વારા એની એક ચોક્કસ થીમ આપવામાં આવે છે અને આ વખતે જે થીમ છે એ ચેલેન્જ ટુ ચૂઝ ટુ ચેલેન્જ, અને એના માટે જે મહિલાઓ ઓવર ધ યર્સ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે શરૂઆત થઈ હશે ત્યારે ઘણી બધી પરિસ્થિતિ અલગ હતી અને આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં મહિલાઓએ ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા મેળવેલી છે, છતાં પણ હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે। તો આજના દિવસે એ જ સંદેશ હોઈ શકે કે ઉગતી પેઢી, આવતી પેઢીને આપણે એટલી સશક્ત કરીએ કે તેને ક્યારે પણ આવા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસે પોતાને શું અભાવ છે એની વાત કરવાને બદલે પોતે જે સિદ્ધિઓ મેળવી છે એના વિશે વાત કરે। ફરી એક વખત આ સંસ્થાએ જ્યારે આ પ્રકારનો એક સન્માન સમારોહ યોજ્યો છે તેને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું। તેરા પંથ મહિલા મંડળ કી કાર્યકારની સદસ્ય મેં ગુજરાત પ્રભારી હું। હમ તેરા પંથી સંસ્થા સે હૈ ઓર હમારી અખિલ ભારતીય તેરા પંથ મહિલા મંડળ એક સંસ્થા હૈ જિસકે દ્વારા उसकी 460 शाखाएं हैं, वो 70,000 महिलाएं उसमें जुड़ी हुई है। और अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल नए नए प्रोजेक्ट्स लाती है और हमारा मेन पर्पस है साधु साधुओं का सेवा करना, धार्मिक कार्यक्रम करना, और उसके अलावा हम सोशल वर्क भी करते हैं। और इसी श्रृंखला में आओ चले गाँव की और नन्ही कली योजना, ये सब अभी नया प्रोजेक्ट आया हमारा, इसका फिजियोथेरेपी सेंटर्स खोल रहे हैं हर जगह, और इसके लिए सैनिटरी पैड डिस्पोजेबल की मशीनें लगा रहे हैं हर जगह, काफ़ी स्कूलों और कॉलेजेस में लग चुके हैं। और ये हमारा इसी श्रृंखला में तेरा पंथ महिला मंडल ने आयोजित, तेरा पंथ महिला मंडल अहमदाबाद ने आयोजित किया है प्रेरणा सम्मान कोवी वॉरियर्स प्रोग्राम का। इसमें काफ़ी अच्छा, जो डॉक्टरों ने इतनी सेवा दी है उसके उनको सम्मानित करना बहुत आवश्यक है। और इसी श्रृंखला में अहमदाबाद महिला मंडल ने बहुत सुंदर आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई व अभिनंदन देती हूँ। ओम आराम।